तो गाइज आज की जो वीडियो है ये स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है जो घर बैठे डेटा एंट्री का काम ढूंढ रहे थे। आपको यूट्यूब पे अगर बहुत सारी वेबसाइट आपने ट्राई कर ली हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपने देख ली हैं जहां पे आपको बताया जाता है कि ये डेटा एंट्री का आप काम करो और आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वहां पे या तो कोई सिक्योरिटी अमाउंट मांगता है या फिर जब आप डेटा एंट्री का काम करके देते हैं तो उसमें अलग अलग गलतियां निकाल देते हैं और आपका जो काम होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको पैसा नहीं मिलता। पर क्या हो अगर एक जेन्युइन कंपनी आपको मिल जाए जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, जहां पे आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देनी, जहां पे आपको कोई चार्जेस नहीं देने, सिर्फ वहां पे आपको अप्लाई करना है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डेटा एंट्री का काम आपको घर बैठे मिल जाता है और आपकी वहां से अर्निंग शुरू हो जाती है। अब जो अगर मैं बात करूं यहां पे जो जॉब है, यहां पे जो आपको इनकम होगी, यहां पर इनकम आप पर आर के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो अभी ये कंपनी पर आर के हिसाब से आपको लगभग $10 दे रही है। इंडियन रुपीज में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो लगभग 800 से 850 रुपये आपको एक घंटे का मिल रहा है जहां पे आपको सिर्फ डेटा की एंट्री करनी है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डेटा एंट्री में आखिर करना क्या होता है। देखो सिंपल सा होता है, आपको एक डेटा मिलता है और उस डेटा को आपको देख कर एंट्री करनी होती है सेम टू सेम, तो इसे ही कहते हैं हम डेटा एंट्री। और काम बहुत ईजी है, इस काम के लिए ना तो किसी खास स्किल की ज़रूरत है, ना किसी हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और ना कोई मेल जेंडर फीमेल की ज़रूरत है, यानी कि आप मेल हैं फीमेल हैं आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जिस भी लोग एज के ग्रुप के लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम है और एक घंटे में आपको लगभग 800 रुपये मिल रहे हैं कमाने के, वो भी सिर्फ डेटा एंट्री, तो आपको ये मिस आउट नहीं करना, आपको अप्लाई ज़रूर करना है। आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर कुछ ऐसा काम बताओ जहाँ पर किसी स्किल की ज़रूरत ना हो, हर कोई इस काम को ईजिली कर सके, जहाँ पर सिर्फ देख के टाइपिंग करनी हो। तो इसलिए आज मैं रिसर्च करके आपके लिए जॉब लेके आया हूँ जहाँ पर सिर्फ आपको देख के टाइपिंग करनी है। अब ये कौन सी वेबसाइट है, कैसे इस पर आपको अप्लाई करना है, ये सारा कुछ अभी मैं लाइव स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा अपने लैपटॉप की, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी जाती है, अलग अलग वेबसाइट्स लेके आ रहे ताकि आप लोगों को सही डायरेक्शन मिल सके। इस चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के हमेशा जेन्युइन वीडियोज़ लेके आऊँ ताकि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप भी ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो अभी से अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट के मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेकर चलूँ, उससे पहले 2023 है और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपसे बोलता हूँ कि 2023 के अंदर आपको YouTube पे से वीडियोस नहीं देखनी है, YouTube पे वीडियोस अपलोड करके भी पैसा कमाना है। अगर आपको नहीं पता YouTube पे वीडियो अपलोड करके पैसा कैसे कमाते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है टिप्स विद बिस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वहां पे मैंने आपको बताया है शुरू से लेकर कैसे आपको चैनल बनाना होता है और चैनल कैसे ग्रो करना होता है, सारी वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिलेंगी। और जिनका ऑलरेडी चैनल है लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आपकी हेल्प के लिए मैं एक जल्द ही ब्रॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ जहाँ पे हम 1-on-1 चैट करेंगे, आप मेरे चैनल पे लाइव आएंगे और आप जब लाइव आएंगे मेरे चैनल पे तो मैं उसका वीडियो अपने चैनल पे डालूंगा, जिससे कि मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं वो आपके चैनल पे भी विजिट करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके चैनल को रीच मिलेगी, आपके चैनल को ग्रोथ मिलेगी, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो अभी से अभी यार जो मेरा चैनल है टिप्स विद बिस्ट उसको सब्सक्राइब करो और वहाँ पर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं इस पूरे प्रोसीजर को, तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो कैसे कि अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको अपने मोबाइल से ही मैं बताऊंगा किस तरीके से मोबाइल पे सारा काम करना है। तो आपको अपने मोबाइल को ओपन करना है, गूगल क्रोम पे आपको जाना है। जब आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है ROBERT रॉबर्ट HALF, देख लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर रॉबर्ट हाफ इस तरह की स्पेलिंग है ROBERT HALF, तो ये आपको लिखकर एंटर मार देना है। जैसे ही आप रॉबर्ट हाफ लिख के एंटर मारेंगे सबसे पहली वाली वेबसाइट आपको दिख जाएगी, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट हाफ लिखा हुआ है, ट्रस्टेड स्टाफिंग एंड टैलेंट सॉल्यूशन हायर स्टाफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब इस पेज पे वेबसाइट पे बाद में मैं जाऊँगा, सबसे पहले मैं ये दिखाऊँगा कि इसका स्कैम एडवाइज़र पे ट्रस्ट स्कोर क्या है, क्या ये वेबसाइट स्कैम फ्री है, यानी कि इस वेबसाइट पे कोई स्कैम तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्कैम एडवाइज़र ओपन कर लिया है और मैंने इस वेबसाइट का यहाँ पे नाम डाला है रॉबर्ट हाफ और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर करा। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा है रॉबर्ट हाफ रिव्यू आप चेक कीजिए, ट्रस्ट स्कोर 100 में से आउट ऑफ 100, यानी कि ईजिली आप ट्रस्ट कर सकते हैं, 100 में से 100 ट्रस्ट स्कोर इसका है, यानी कि कोई भी स्कैम नहीं होता है, आप ईजिली यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सारे पॉजिटिव हाईलाइट्स आप चेक कीजिए, सारा कुछ पॉजिटिव यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ इस वेबसाइट की, ये वेबसाइट कितने टाइम से रनिंग पे है। अब आप यहाँ पे देखिए 27 ईयर्स फ्रॉम नाउ गाइस, 27 साल, आप खुद से समझ के देखिए, अगर कोई वेबसाइट 27 सालों से अगर रनिंग पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर ट्रस्ट अपने आप बन जाता है, क्योंकि अगर कोई फेक वेबसाइट होती तो 27 सालों तक काम नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर 27 सालों से वेबसाइट आपके लिए उपलब्ध है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट की और डिटेल्स, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाओ तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी डिटेल्स ले लो कि किस तरह की वो वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने roberthaap.com डाला है और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। अब देखिए रॉबर्ट हाप की पूरी डिटेल्स आ गई है, कब ये फाउंड हुई थी, 1948 के अंदर ये वेबसाइट फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, US के अंदर है, और एनुअल रेवेन्यू आप देखिए 1.0 बिलियन, गाय मिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, बिलियन। तो आप खुद से समझ के देखिए कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं। कैटेगरी रैंक इनकी देखिए 69 है और बाउंस रेट आप चेक कीजिए, टोटल विजिट देखिए पर मंथ कितना है, 1.9 मिलियन। गाइस 1.9 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर मंथ यहाँ पे 19 लाख लोग आते हैं, हर मंथ अप्लाई करते हैं, काम मिलता है। तो आप खुद से समझिए कि कितना ट्रस्ट वर्दी ये वेबसाइट होने वाली है। अब हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो इस तरह की ये वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि फाइंड यूअर नेक्स्ट जॉब, क्योंकि हमें यहाँ पर जॉब ढूंढनी है, तो आपको जॉब टाइटल में क्या डालना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको डालना है डेटा एंट्री और आपको एंटर मार देना है। जैसे ही आप डेटा एंट्री मारकर डालकर एंट्री मारते हैं और यहाँ पर आपको वेट करना होता है पेज ओपन होने का। आप देखिए यहाँ पर ये डेटा एंट्री की जो जो वर्क है वो ओपन हो चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए डेटा एंट्री क्लर्क है, डेटा एंट्री क्लर्क नीचे आ जाएगी, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, डेटा एंट्री क्लर्क की यहाँ पर आ जाएगी, डेटा एंट्री क्लर्क, अलग अलग देख रहे हैं आप, बहुत सारे डेटा एंट्री क्लर्क आपको मिल रहे हैं। तो आप खुद से देखिए कि यहाँ पर आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे काम आपको मिल रहे हैं। आप चेक कीजिए किसी भी डेटा एंट्री वर्क पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि ये है डेटा एंट्री क्लर्क रिमोट का है और यहाँ पर देखिए $18 से $20 आपको पर घंटे मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, जो कि मैं $18 $20 लेके चलता हूँ, तो लगभग यहाँ पर 1600 रुपये आपको मिलते हैं एक घंटे के सिर्फ डेटा एंट्री करने के। तो मैं इसी वाली जॉब पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिमोट वर्क है और 22 मई को ये जॉब निकली है, आज जो है 24 मई है, तो दो दिन पहले ये जॉब निकली है, तो अभी बहुत कम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपको पीछे नहीं रहना है। अब आप नीचे आएंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि इफ़ यू आर ए टैलेंटेड, कि अगर आपको टैलेंट है और आपको डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है, तो डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस देखो सभी को होता है। अब ये नहीं कि डेटा एंट्री कहीं वर्क करके एक्सपीरियंस आता है, आपने अपने मोबाइल से बहुत बार डेटा को एंट्री किया होगा, तो वो एक सब एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है। वी आर लुकिंग फॉर डेटा ड्राइवन एक्सपर्ट हु हैज़ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड लुकिंग टू थ्रीव इन द डायनामिक ग्रोविंग एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपको काम करना है, हाउ यू विल मेक एन इम्पैक्ट, कैसे डाल सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, एक बार इसको आप रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखिए क्या क्या है, हाई टाइपिंग एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, MS Excel आपको आना चाहिए, क्लियरिटी CRM होना चाहिए, डेटा एंट्री एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और नीचे आप आ जाएंगे आपका ग्रेट रिटन वर्बल इंटरनेशनल स्किल्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम आपको लिखना है तो वो आपको रिटन में अच्छा आना चाहिए। अब देखिए उन्होंने यहाँ कहा कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डाउनलोड द roberthaap ऐप भी इनकी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि अप्लाई आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे लेके लिखा हुआ है कि अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपली इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएगा अप्लाइंग फॉर डेटा एंट्री क्लर्क इन मेलकन VA, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। तो गाइज सबसे पहला मेन काम आपका रिज्यूम ही होता है, तो डोंट हैव ए रिज्यूम फाइल रेडी, आपके पास रिज्यूम नहीं है तो अप्लाई विदाउट रिज्यूम भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप हमेशा जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो रिज्यूम जरूर अपलोड करें। जिनके पास नहीं है बना लीजिए, रिज्यूम बायोडाटा सब एक ही होता है। अब यहाँ पे मैं अभी फिलहाल अप्लाई विदाउट रिज्यूम कर देता हूँ। इसके बाद देखिए अब आ जाता है यहाँ पे हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जिप कोड डाल के आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म यू आर एग्रीइंग आवर टर्म्स ऑफ यूज एंड रिसीव टेक्स्ट अलर्ट्स मैसेज एंड डेटा रेट्स में अप्लाई फ्रीक्वेंसी में वेरी टेक्स्ट टॉप टू इतने इतने पे फॉर हेल्प के लिए। अब आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स डाल देनी है, एक बार डिटेल्स डाल के आगे आपको दिखा देता हूँ। तो कहते हैं यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप जिप कोड डालेंगे वो आपको डालना है 22193, ये आपको ध्यान रखना है कि जिप कोड आपको 22193 डालना है, उसके बाद अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपका आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा जॉब टाइटल कंपनी। जॉब टाइटल में आप यहाँ पे लिख दीजिए डेटा एंट्री
उसके बाद कंपनी में आप जॉब सीकर्स लिख दीजिए, स्टार्ट मंथ आप लिख सकते हैं मैंने जैन से करा है, स्टार्ट ईयर मैंने कर दिया 2020 से, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दिया आई एम डेटा एंट्री एक्सपर्ट, उसके बाद मैंने फिनिश एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं फिनिश एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन देखिए आ चुका है, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। जैसे आपके यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपने जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला है उस ईमेल एड्रेस पे आपको कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी, या फिर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल पे आपको टेक्स्ट आ जाएगा। तो आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई यहाँ पे टेस्ट आपका नहीं होने वाला है। तो आपको अप्लाई जरूर करना है, अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जिप कोड के बिना यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप जिप कोड अपने अनुसार डालेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और अगर इस जॉब रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।